नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ। एक बात तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। समुद्र की लहरें जिस तरह गिरती हैं, बार बार उठती हैं, लेकिन कुछ लोग एक बार गिरकर हार मान लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि असली योद्धा वही होता है कि चाहे वो 10 बार गिरे लेकिन कभी भी हार ना माने। आज के हमारे मेहमान ऐसी ही एक हस्ती है जिनकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी उनमें वो ये कि डरने या घबराने की बजाय उन्होंने दुनिया में मिसाल कायम की। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि आज बहुत सारे लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो मैं आप सभी के साथ मिलकर पहले स्वागत करता हूं गोल्डी सिंह जी का। सत श्री अकाल गोल्डी सिंह जी। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल। हेलो बेटे, इनके रबानी जॉली। बारे में कौन नहीं जानता, आजकल तो सब इन्हीं की चर्चा करते हैं। बट बिफोर मी, जो लोग आपके बारे में नहीं जानते उन्हें हमें आपके बारे में बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज़ यू आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। स्पेशली योर लाइफ स्टोरी वाज लाइक व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, मेक अ लेमोनेड आउट ऑफ इट। क्या बात है जी, थैंक यू। तो बात हो रही थी गोल्डी सिंह जी की लाइफ के बारे में। हां जी, आपको भी शायद इतना कुछ नहीं पता होगा आज तक, जितना आप आज इनसे हम सुनेंगे। ठीक डेफिनेटली। है, पहले ये इंजीनियर थे, एयर ओके, कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जॉब करते थे। तो वहां पे इनके साथ एक हादसा हुआ, तो इनको गहरी चोट आ गई, जिस वजह से ये फिर रेगुलर वहाँ जॉब नहीं कर पाए। उसके बाद जब ये थोड़ा ठीक हुए तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं थे, तो घर परिवार की जिम्मेदारी तो सबने निभानी होती है, तो फिर इन्होंने कार यानी टैक्सी चलानी शुरू की। उल्टी जी केड़ी ओला टैक्सी चलाते थे शायद उसी। एक्चुअली मैं थोड़ा इसको डिफाइन करता हूँ कि क्या हुआ था कि एसी लगाते हुए ना लोग ध्यान नहीं रखते, इसका मैसेज भी जाएगा लोगों में कि अगर जी कोई स्प्लिट एसी इंस्टॉल करा रहा है बंदा, तो और अगर उसका बाहर का जो आउटडोर यूनिट है वो ऐसी जगह ना लगवाए जहां पे इंजीनियर पहुंच ना सके, जी उसका भी ख्याल रखा जाए कि कोई कल को आके उसकी सर्विस करेगा, उस पर चढ़ेगा तो वो गिर ना जाए। तो ऐसे ही बस एक स्प्लिट लगाने गए थे हम लोग, तो वो थोड़ा सा हाइट पे था तो वहां से सीढ़ी हमारी स्लिप कर गई, और मैंने समझाया भी था कि ये थोड़ा रिस्की है, तो वो सीढ़ी स्लिप हुई कि वो फिर कमर में प्रॉब्लम होगी वहां पे। तो फिर अब हमारा काम ऐसा है, वेट उठाना है, सब कुछ है, तो कमर ही नहीं रही तो फिर कैसे होगा। तो फिर वहां से लाइफ चेंज हो गई। अब वो काम तो करना है ना, वो कहते हैं पंजाबी की कहावत है, उन मरदा की नहीं करता, डू और डाई। तो डू और डाई सिचुएशन है ना, क्योंकि रोज कमाना रोज खाना है ऐसी। फिर एसी मैकेनिक से मतलब कि आप बने कैब ड्राइवर, फिर आप तो फिर हाँ, तो फिर टैक्सी का भी सोचा, तो अब टैक्सी भी तो महंगी आती है, बंदा पैसे कहाँ से लगाए। तो उबर वाले का ऑफिस खुला था वहां पे गुड़गांव में, तो वो ना गाड़ी भी साथ में दे रहे थे, आपको गाड़ी दे रहे थे और कुछ रेंट उनका रोज का लग रहा था, तकरीबन 1000 रुपये रोज का रेंट था उसका, और उसको पूरा करने के लिए मुझे 2500-2000 का काम करना पड़ता था पूरा 18 घंटे मेहनत करके, फिर जाके घर पे जो है कि 500-700 रुपये आते थे। लेकिन ये था कि घर चलना शुरू हो गया था, एक साइकिल बन साइकिल गया। बननी शुरू हो गई थी। और जो लोग कहते हैं ना कि वो काम छोटा है बड़ा है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपके बस माइंड का वो सोचने का नजरिया है। अगर जिस काम से हमारा घर चलता है वो सब बड़ा ही बड़ा है, हर काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता। तो मैंने ये सोचे बिना वो काम शुरू किया, और सैमसंग कंपनी में था मैं, वहां पे ट्रेनिंग मिली थी मेरे को कुछ, और ट्रेनिंग बड़ी काम आई वो कि आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे करना है एक्चुअली। तो वहां पे भी बस जो कस्टमर बैठते थे, मेरी आदत थी उनके लिए दरवाजा खोलना, उनके लिए मतलब हर चीज के लिए वही वहां जाना है तो वहां सही है, कोई मतलब आर्ग्यूमेंट करता नहीं था मैं कस्टमर से, तो मेरे कस्टमर बड़े हैप्पी रहते थे। तो वैसे करते करते मतलब वो लाइन में मतलब जच गई मुझे, अच्छा हो गया काम। फिर कैब चलाते चलाते आप यूट्यूबर बन गए। वो भी एक मतलब एक किस्सा ही ऐसा है, और वो ही लाइफ चेंजिंग कहते हैं ना, जैसे लाइफ चेंज होनी होती है तो कैसे हो जाती है, नहीं तो मैं आज भी एसी का काम ही कर रहा होता। द लाइफ चेंजिंग एपिसोड्स। हाँ, ये बहुत कुछ चीजें हैं। तो वो ऐसा हुआ कि वो एक दिन क्या हुआ ना, कस्टमर बिना पैसे दिए उतर के चला गया पीछे से, तो मैं कहा यार ये तो दिक्कत वाला काम हो गया, तो उनको फोन किया मैंने, तो वो कहते हैं भाई वो तो चला गया, हम तो पैसे दे के नहीं दो। तो मुझे बड़ा वट चढ़ा,
मैं यार हम लोग इतने महंगी महंगी गाड़ियां लेके चला रहे हैं, इनके लिए सब कुछ है और कंपनी ऐसे पल्ला झाड़ रही है। तो मैंने एक फोन ऐसे किया, मैं कहा यार आज मैं वीडियो बनाता हूँ इनके लिए और मैसेज डालता हूँ कि इतनी महंगी गाड़ी लेके आप ओला उबर में आ रहे हो, तो एक मैसेज छोड़ा जाता है कि ये चीजें हो रही हैं बिल्कुल रियल ऑथेंटिक चीज से, और मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया था काफी। तो वो वीडियो मैं रिकॉर्ड करी तो मैंने कहा ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। तो मैंने फोन रखा बिल्कुल डेस्कटॉप पे सीधा और पूरी भड़ास निकाल दी एक ही बार में, नॉन स्टॉप बोला हूंगा मैं 15 मिनट 7 सेकंड, मेरे को अभी तक पूरी ड्यूरेशन याद है उसकी। वो इसलिए याद है कि फेसबुक पे डालने के लिए वीडियो वो डाली थी, फेसबुक वाले ने ली नहीं क्योंकि वो 15 मिनट से ऊपर की वीडियो लेता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता। मैं कहा चल कोई बात नहीं। फिर वहीं पे ना जब आप कोई भी अपना फोन खोलोगे, अब बंदा चाहे लोग कहते हैं कि पहले चैनल बनाओ कि ये फलाना धमकाना उसके अंदर ये चीज करो, अब मेरे पास थोड़ी कुछ था, वो वहीं पे यूट्यूब का ऑप्शन आता, कोई भी आप गैलरी में वीडियो लोगे ना सबका ऑप्शन आता, तो वहीं यूट्यूब का ऑप्शन आया, वहीं पे सेंड किया, बस वो पहले टाइटल मांगता है। तो टाइटल में मैंने सिर्फ 3 चीजें लिख दी, रियल इनकम ऑफ ओला उबर 2018। अब लोग कहते हैं जी डिस्क्रिप्शन डालो, ये तो हमें चीजें अभी पता चली है कि ये करो, कुछ नहीं बस वो डाल के छोड़ दी मैंने, और मुझे पता भी नहीं, मैं अपने काम में मस्त हो गया, सब कुछ ठीक है। एक हफ्ते बाद ना मेरा छोटा भाई मनदीप सिंह है, तो वो एकदम से ही मतलब एक्टिव हुआ, कह रहा भाई तेरी वीडियो चल रही है, वायरल हो रही है। मैं क्या अच्छा जी, मेरे को तो पता ही नहीं। कह रहा भाई वीडियो मेरी वायरल हो रही है, सब्सक्राइबर इतने हो गए। अब मुझे ये सब्सक्राइबर वर्ड नहीं बोलना आता था पहले, अब बड़े आराम से बोल रहा हूँ मैं, व्यूअर ये। मैं कहा भाई मेरे तो ऊपर से निकल रही चीजें क्या है ये। कह रहा बस ऐसा है, अब तूने जो किया है ना इसको करता रहे तो पैसे मिलेंगे। अब जैसे उसने ये बात बोली कि पैसे मिलेंगे, मैं कहा यार ये तो बात समझ नहीं आ रही कि मैं वीडियो बनाऊंगा और मुझे पैसे मिलेंगे, और मुझे पता नहीं था, तो उसे पता था चीजों का। तो उसका भाई मैं कहा ठीक है, तो अगर पैसे मिलेंगे भाई तो हम पैसे लेके दिखाएंगे फिर। तो ये जर्नी वहां से शुरू हुई। तो और मुझे ए बी सी डी भी नहीं पता थी इस चीज की, नहीं तो लोग क्या कहते हैं कैमरा मैन ये वो सारा सेटअप बिठा के, हमने सिर्फ वो जो छोटा सा फोन था मेरे पास, लाइफ का फोन था मेरे ख्याल से, उससे ही वो शुरू कर लिया था काम, उससे ही वो चीज हो गई थी। उसके बाद फिर हमने फोन से ही शुरू किया, आज भी फोन ही है मेरे पास। तो ये जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। देखो यूट्यूबर पे भी आप नहीं रुके, उसके बाद आप फिर फूड ब्लॉगर बन गए इसके साथ। अब उसकी स्टोरी ये है कि जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर वो 4x4 के कैबिन में ही हो गए थे, तो बंदे कहते कि भाई अब बाहर निकलो इससे गोल्डी भाजी, दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ और भी दिखाओ हमें, आप जगह जगह जाते हो कहीं का फूड ही टेस्ट करा दो या बताओ हमें कि क्या चीज क्या होती है। मैं कहा यार ये भी चीज ठीक है। तो लेकिन मन में हमेशा यही थी इच्छा कि जैसे हम अपनी सवारियों की सेवा करते थे गाड़ियों में, और वैसे सोचा कि इसी लाइन में भी अगर आ रहे हैं तो किसी की सेवा ही करें। तो जो बेचारा नया अपना सेटअप लगा के बैठा था, हमेशा मैं उसी के पास जाता, उसका टेस्ट करना फूड, और उसकी जितनी हो सकती थी अपने हिसाब से उतनी हेल्प भी करनी। तो फिर वहां से वो जर्नी स्टार्ट हो गई। तो जैसे आज हम देखते हैं कितना अच्छा लगता है कि सब दूसरे की हम मदद करते हैं, तो ये चीज 2019 में हमने मतलब करी थी, तो बड़ा अच्छा लगा आज सब करते हैं एक दूसरे की। सारे लोगों की आपने मदद की और जिनको कोई नहीं जानता था, और आज वो बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं और बहुत लोग उनको जानते हैं, उनके स्टॉल्स जो है वो बहुत, सबसे अच्छी चीज है कि आपने ना बिल्कुल जो छोटे लोअर लेवल पे काम करने वाले लोग थे आपने उनकी मदद की और उनको ऊपर उठाने की कोशिश की। अब ये तो मतलब वाहेगुरु दी मेहर है जेड़ी अपने सिर ते, मतलब पंजाबी च बोलांगा एक गल कि अपने सिर ते जेड़ी पग हैगी आ, यही सानूं इस सिखांदी है कि सानूं ह्यूमैनिटी दी हेल्प करनी चाहीदी है, जेड़ा बंदा थल्ले है ओनू चकना चाहीदा नाल, ते कम्युनिटी दे नाल चलना चाहिदा हमेशा। यहाँ भी आपकी गाड़ी नहीं रुकी और फिर इसके बाद आपकी गाड़ी आगे चली गई और आपने कारों की जो सेल परचेज जो अच्छी बड़ी और बढ़िया महंगी वाली गाड़ियां उनकी आपने सेल परचेज का काम शुरू किया। अच्छा यहाँ पे भी दोबारा वही बात रिपीट होगी कि मरदा की नहीं करदा क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, अब मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था होना क्या है, तो वो जो फूड व्लॉग तो भाई बंद हो गए थे सारे, अब हमारे कुछ पता ही नहीं था, तो मैं कहा अब क्या करें भाई। अब फिर वही सिचुएशन आ गई डू एंड डाई वाली कि भाई अब कैमरा भी ले रखा है, माइक भी है हमारे पास, अब करना क्या है हमें। तो फिर हमारे जैसे कहते हैं ना कि लॉकडाउन में शाम को करना क्या था, तिकड़ी बैठी है आराम से फोन पे चल रहे हैं सारी चीजें, तो फोन में यारों दोस्तों में बातचीत हुई कि भाई ऐसा करते हैं कुछ ऐसे चैनल खोलते हैं हम तीनों मिलके कमर्शियल, जिससे कि आपको अर्निंग ऑफ सोर्स बढ़ जाए आपका, ताकि यूट्यूब की डिपेंडेंसी कम हो जाए, आपको मार्केट से भी पैसे मिलने लग जाए, आपको मार्केटिंग शुरू कर दो। तो ये कार सरदार का आइडिया वहां से आया,
और मेरे को शौक भी था जी कारों का, मेरे को तो कारों का इतना शौक है आज भी, मतलब मम्मी कभी कहते हैं बचपन में अगर मुझे खिलौना भी पसंद आना तो वो कार ही आनी थी लंबी वाली, तो मुझे तो कार ही चाहिए। तो ये भी अंदर से ही था कि कुछ कारों में जाना। तो फिर वो चैनल हमने कार सरदार गोल्डी सिंह नाम से शुरू किया, एक्सपीरियंस पूरा था हमारे को, तो पूरा का पूरा उसमें झोंक दिया तो, और मेहनत करी पूरी। वो चैनल मैंने एक महीने में मतलब मोनेटाइज करवा लिया था अपनी पूरी ऑनेस्ट मेहनत से, मतलब इतनी वीडियोस डाली उसमें, इतना चीज डाली, तो बाबा जी कृपा से वो, मतलब कभी हमें अच्छी गाड़ी चाहिए हो तो आपके पास आ सकते हैं, अच्छी गाड़ी मिल सकती है। हाँ मैं, मेरे पास नहीं, मैं गाड़ी डील नहीं करवाता मैं क्योंकि मैं डीलर नहीं हूँ, बट हाँ सजेस्ट मैं कर देता हूँ अच्छी गाड़ी है। कोई मुझे मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे कि गोल्डी पाजी मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो उनको हम सजेस्ट कर देते हैं लाइक कि यार ये गाड़ी अच्छी है, ये डीलर अच्छा है, जाके आप अपनी डील उगा सकते हो। मतलब मेरे को मतलब उसमें खुशी मिलती है कि वो भी किसी की हेल्प हो जाए, ये नहीं है कि जाके वहां पे अपना बिजनेस शुरू कर दिए तो ये चीज है। अब मेरी बारी है, अब मैं बोलूं। तो जैसे कि मतलब आपकी ये स्टोरी सुन के मेरे को एक चीज से रियलाइज हुई कि आप जितनी बार आउटशाइन करें आपको वापस एक सर्कल में आना पड़ा कि आपको वापस से सारा जीरो से शुरू करना पड़ा। बट एज जब मैं आपके बारे में थोड़ा सर्च कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि आपके 2018 के 2019 के कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप पे फीचर हुए हैं, आपकी कैब पे फीचर हुए हैं, उसके बारे में आप थोड़ा और बताओ, क्योंकि मेरे को उसकी बहुत क्यूरियोसिटी है कि कैब में आपने एक लंगर चलाया था आपके पैसेंजर्स के लिए होता था। उसकी ये स्टोरी है कि हम लोग दसवंत फॉलो करते हैं सिखिज्म में, और कस्टमर इज गॉड, तो कस्टमर भगवान का रूप होता है, तो अगर हम उसको पानी पिला रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं उस दसवंत से भी, तो वो भी ठीक है। गुरुद्वारे जाने का टाइम नहीं लग पा रहा था, लंगर करने का टाइम नहीं लग पा रहा था, मतलब तो वो जो पैसा आता था ना, तो मैं वो 10% अपने कस्टमर की सर्विस के लिए रख लेता था, तो इसीलिए उसका नाम गुरु का लंगर कर दिया गया। और मैं बड़ा प्राउडली बता रहा हूं कि मेरे को उसी चीज नहीं आता, आपके यहां भी बैठा हूं तो उसी चीज की वजह से ही बैठा हूं मैं, तो और वही चीज है जो आज तक मतलब अंदर, और आज तक उस चीज की वजह से पंजाबी च कहने ऐसी ओंदा ही खा रहे हैं, बस कहने का मतलब यही है, वो रिफ्लेक्ट करती जा रही है वो चीज, उसने यहां तक पहुंचाया है। तो वो जो गुरु का लंगर आपने चलाया, इसका एक शायद मेमोरी जो मुझे दादू ने बताई, जो मुझे याद भी नहीं थी, कि अराउंड 2019 हम लोग रजौरी में मिले थे जब आपने कच्ची लस्सी का लंगर लगाया था। बिल्कुल राइट है, तो उसमें आप आए थे बड़ा खुशी हुई, ज्वाली जी पूरी फैमिली के साथ आए थे, तो उसमें क्या हुआ था ना, मेरे जो व्यूवर्स थे वो कह रहे थे कि आप मीट करो, मतलब जैसे मीटिंग्स होती है ना, तो मैं कहा मीटिंग कैसे, मतलब वो, तो मैं कहा एक काम करते हैं, जून जुलाई का टाइम चल रहा था, मैं कहा एक काम करते हैं रजौरी गार्डन में मेन चौक पे छबील का लंगर लगाते हैं 3 दिन, जिसने मिलना है आ जाओ, तो वो इस ऐसे किया था, और बहुत लोग मिलने आए उसमें, बहुत अच्छे अच्छे आप लोग भी आए थे, इतना बढ़िया लगा, तो वो इस तरह से हुआ था। तो आपने आपका जो ये आप गुरु के लंगर से आपका ये फूड ब्लॉगर वाला जो एक्सपीरियंस था, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि कई बार आई माय सेल्फ आई एम अ फूडी, वाओ, आई लव टू ईट फूड, बट आई एम वेरी चूजी आल्सो, ओके, तो सेवा डांट भी पड़ती है। बट मेरा क्वेश्चन मेन नेक्स्ट ये है कि जब आप फूड ब्लॉगिंग करते हो, तो आप किसी आपने कोई ऐसी डिश ट्राई करी जिसमें आपके पेट ने सोचा हो कि ओ माई गॉड दिस इज सो माई फेवरेट बट आई एम गोना हैव इट, लेकिन बाद में आपको ऐसा हुआ दैट आपने 2 bites खा के या फुल हो गए एंड द रेस्ट आपको आइदर आपको पैक करना पड़ा या गिव अवे करना पड़ा, ऐसा कभी हुआ, या ऐसी कोई डिश जो आपने ट्राई करी आपको पसंद ना आई हो? अब इसका सवाल का जवाब ये है कि पंजाबी खाने शौकीन होते हैं, कुछ कुछ पंजाबी आती रही तो हम लोग ना जाते ही वहीं पे हैं जहां पे अट्रैक्टिव फूड होता है, पहली जीभ लपलप आ जाती है, और फेंकने का किसी को देने का तो सवाल ही नहीं होता, हम ही खुद ही खा जाते हैं तो ये मैं देखता हूँ कि कुछ फूडी होते हैं ना, तो मैंने कोई इस लाइन में जब आया था मैं, मतलब अब तो मतलब थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि कार्स में ज्यादा हूँ, तो उस टाइम हम बड़े बड़े फूडीज के साथ भी नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि सबका अपना अपना काम है, तो क्या करते हैं वो फूडी सिर्फ एक बाइट बाइट करते हैं और बाकी सारा ड्रॉप इट बस, तो वो फिर फूडी कहाँ से हुए, तो फूडी तो हम ही है ना भाई जो सारा खा रहे हैं तो कुछ फूडी आज भी अच्छे अच्छे हैं जो पहले भी थे, आज भी वो भी पूरा ही मतलब खाते हैं, तो उसका आंसर ये है कि मैं जाता ही एक दिन में एक ही शूट करता हूँ बेसिकली, मतलब हम एक ही जगह पे गए, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम 10 जगह जा रहे हैं, वो नॉट पॉसिबल है ना, 10 जगह का फूड तो मैं खा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ
मिक्स हो, हाँ मिक्स हो जाता है। तो उसका रीजन ये है कि मैं एक दिन में एक ही जगह जाता था चॉइस करके कि आज ये खाना है। एक दिन निकाल लिया, चॉइस कर ली कि यही खाना है और पूरा एकदम फिनिश करके अपने मजे लेके खा के आया। हाँ साथ में मेरा बेटा भी जाता था, उसको भी खिला पिला के लाते थे। और एक और चीज है, लोग बड़ा उस टाइम बोलते थे यार आपके तो बड़े मजे हैं फूडियों के कि आपको पैसे नहीं देने पड़ते। मतलब ठीक है लोग कमेंट करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हम अगर कहीं जा रहे हैं अपने काम से जा रहे हैं तो हम उनको प्रॉपर पैसे से उनकी हेल्प भी करके आते थे। अगर कुछ और भी चाहिए तो आप हमें बताओ, पैसे तो मतलब बड़ी दूर की बात है। तो मैं इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता, कोई भी फूडी है या कोई भी बंदा अगर अपने काम के रिलेटेड किसी के पास भी जा रहा है ना, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसका यूज करे। तो थोड़ा सा मतलब ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा रहता है कि आजकल ना कि सब कुछ फ्री में मिलता है, फ्री में भी कुछ नहीं मिलता। तो मैं नहीं लगता कि जैसे इनकी जर्नी हम सुन रहे हैं, इतने सारे उतार चढ़ाव, अलग अलग फेस लाइफ के जो इन्होंने मूवी इसके ऊपर मूवी अगर किसी को स्टोरी ये बता दी जाए और अच्छे से समझ आ जाए तो बड़ी शानदार मूवी बन सकती है। लॉट्स ऑफ प्लॉट ट्विस्ट, क्लाइमैक्स एंड दैट ट्रेंड सेटर्स लेकिन देखो ऐसा होता है कि एक चीज की ना मैं ये समझता हूँ कि जैसे मूवी में क्लाइमैक्स आता है लास्ट में, तो मेरे को ये लग रहा है कि मेरा क्लाइमैक्स बाकी है, अभी कुछ और करना है। जैसे अभी आपने कहा कि ट्रेंड सेट, अभी कुछ मतलब और बड़ा करना है अभी कुछ, तो वो अभी आ रहा है धीरे धीरे कि कैसे करना है क्या करना है, वो तो ऊपर वाले की मेहर है कुछ दिमाग में आ जाए। बट अभी एक चीज और मतलब एक बार और छाना है, मतलब जैसे कहते हैं ना एक बार छाए हैं तो एक बार और छाने की तमन्ना है अभी। तो वो पता नहीं कैसे छाएंगे क्या करेंगे, बट वो तमन्ना है जी। नहीं, हमारी वाहेगुरु से प्रभु से यही विनती है कि जितनी भी आपकी ख्वाहिशें हैं जल्दी से जल्दी वो सारी पूरी करें, और ये जो ड्रीम है तो हमारी भी तमन्ना है कि बहुत जल्दी ये हकीकत बने और फिर आपके साथ हम इसी तरह एक बार दोबारा प्रोग्राम फिर से करें उसके साथ। तो आपने बहुत सारे अप डाउन के साथ देखे, फिर कई जगह आपने यू टर्न लिया, कई जगह आपने ब्रेक लगाई, कई जगह आप स्लो डाउन हुए, जैसे आपने बताया सारे फेसेस में। अब लेटेस्ट क्या चल रहा है आपकी लाइफ? लेटेस्ट अब जैसे मैंने कि बताया ना कि लेटेस्ट अब वो सोच चल रही है, क्योंकि अब इसको करते करते कार सरदारों करते करते 3 साल हो गए हैं, हर जगह पे मतलब बढ़िया फॉलोअर्स, हर जगह पे रिस्पेक्ट, एक चीज बढ़िया ट्रेंड सेट हो गया यूज्ड कार मार्केट में। तो अब लग रहा है कुछ और, अब मतलब यहाँ नहीं रुकना, अब कुछ और करना है। मतलब तो देखो क्या दिमाग में आता है, उससे रिसर्च चल रही है अब। यस, गुड़िया ने सही पकड़ लिया कि अब आगे चलो जी, क्योंकि इसका हो गया, अब आगे चलते हैं, क्योंकि जिंदगी का नाम ही गाड़ी है, अगर चलते रहेंगे तो ठीक है, रुक गए तो फिर रुक गए। तो जैसे कि आपने हमें बताया जब आपने अपनी कैब में वो 2018 में फर्स्ट वीडियो डाली, तो आपने जो ये अपने आपने बताया आपने अपने फोन से डाली, तो नाउअडेज क्या है कि चिल्ड्रन आर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स कि हाँ हमें यूट्यूबर ही बनना है, तो आप सबसे पहले हमें इक्विपमेंट्स लाके दो, फिर हम आगे का शुरू करेंगे। तो आपने कैसे मैनेज किया कि आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया एडिटिंग के लिए एंड द बैक स्टेज एडिटिंग साउंड इफेक्ट्स, या फिर आपने कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट यूज किया कि आपकी वीडियोस एकदम से ऐसे ब्लास्टों के बाहर आए, फटा पोस्टर निकला हीरो? देखो सबसे पहली चीज तो एडिटिंग नहीं आती थी। दूसरी चीज कोई इक्विपमेंट नहीं था मेरे पास मोबाइल के अलावा। तीसरी चीज कोई कैमरामैन थी। और चौथी चीज सबसे बड़ी चीज कंटेंट भी नहीं था मेरे पास। तो तो ये तो वो चीज हो गई कि अगर आपकी किस्मत में जो चीज आनी है अगर वो आ गई तो फिर आप उसको सीख करके आगे कैसे बढ़ना है। तो मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया, अगर वो मेरी एक वीडियो हिट हो गई तो मुझे लगा कि मुझे इसमें करना चाहिए, क्योंकि ना कहीं आपके दिमाग में चीजें होती हैं। मेरे दिमाग में शुरू से था मैं टीवी पे आऊं, एक्चुअली बचपन से था। मैनिफेस्ट कर लिया आपने। तो मैं कहा यार क्यों ना अपना चैनल ही खोल लो, टीवी अपना बना लो। तो वो चीज ऐसे थी। लेकिन मैं इससे मैसेज देना चाहूंगा कि आजकल बच्चे ना बड़ा जिद करते हैं कि मेरे को महंगा कैमरा लेके दो अपने माँ बाप से, और कोई दूसरा काम नहीं करते। तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं था कि मैंने कैब छोड़ दी उसके लिए। मेरा चैनल को 7 महीने बाद मोनेटाइजेशन मिली थी,
क्योंकि उस टाइम 2018 में रिसेशन चल रहा था यूट्यूब के अंदर, वो लोग कुछ हिट नहीं कर रहे थे कुछ चैनल्स की, तो मोनेटाइजेशन तो मेरा चैनल 3 महीने में हो गया था, लेकिन जो पैसे आने की बारी थी वो अक्टूबर में आए थे फरवरी से, तब भी मैंने उसको मैनेज किया, लेकिन अब मेरा घर भी तो चल रहा था ना तब तक। तो मैं आप बताना चाहता हूं कि 12 घंटे कैब भी चलाई मैंने, 4 घंटे यूट्यूब को दिए, धीरे धीरे करके सीखा उसको भी, ऐसा नहीं करा कि मैं सिर्फ उसी पे डिपेंड हो गया। और उसके बाद मैंने 2020 तक गाड़ी चलाई, ऐसा नहीं कि छोड़ दी, जब तक मुझे पक्का नहीं हो गया ना कि हाँ कि अब मैं इससे सरवाइव कर सकता हूं मैं बिना उसके दूसरे बिजनेस के, तब जाके मैंने वो टैक्सी चलाना मतलब कम कर दिया, छोड़ी। तो ये एक बड़ा मैसेज है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो काम करते करते इसको करो, और अगर इसने बढ़ना होगा तो जब उस लेवल पे पहुंच जाए तब आप उस काम को छोड़ो। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, ये जरूरी है आज के यूथ के लिए। राइट, अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ टिप फॉर मी एज वेल, क्योंकि अभी तो बहुत चीजें आ गई। सो जैसे आपने बीच में बोला कि आपके पास कंटेंट भी नहीं था, तो एक ऐसा क्या यूएसपी होनी चाहिए, कैसा कुछ एक ऐसी स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए जो एक अच्छे कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए जरूरी है? अब एक्चुअली ना ये अंदर से आता है, आप चाहते क्या हो पहली बात। हो अगर आप किसी को नॉलेज देना चाहते हो, या आप किसी के अंदर स्पेशलाइजेशन हो, मास्टर्स हो, लाइक कोई प्रोफेसर है टीचर है तो वो अपने अकॉर्डिंगली सिलेबस की वीडियोस बना सकता है, आप किसी भी चीज में माहिर हो और आप उसका ज्ञान दोगे तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसको लोग ज्यादा सुनेंगे और उनका भी भला होगा जो सुनेगा, क्योंकि वो सही चीज है। तो मैं इसका सिंपल ये चीज कहना चाहूंगा कि जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी चीज है ना उसको परोसो हमेशा, और जो आपको आती हो, ये ना हो कि आपको, अब मैंने टैक्सी चलाई 3 साल का एक्सपीरियंस था तो वो चीज परोसी और वो चीज एकदम से अट्रैक्ट कर गई ड्राइवर भाइयों को और हम पब्लिक को वो कनेक्ट कर गई, तो बस जहां आप पब्लिक से कनेक्ट हो गए वहां चीजें बन जाती हैं, तो कंटेंट वहां से आता है। मतलब जबरदस्ती का कंटेंट नहीं बनाना कि हाँ अभी आज मैं वहां गया तो ये चीज हो गई, कल को वहां गया तो वो नहीं, कंटेंट वो चाहिए जो आपके अंदर से आए कि हाँ मैं अगर जिस चीज पे बोलूंगा तो वो सही होगा। यस, जो इनकी सोच है, जो इनका एक्सपीरियंस है, लीडर तो हमारे पास बहुत सारे हैं, अगर इस तरह की सोच वाले इंसान को एक दिन के लिए दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, क्या बात है, क्या करें? आई गेस इस क्वेश्चन का बेटर आंसर गोल्डी अंकल ही दे सकते हैं, क्योंकि दी ओनली थिंग कमिंग टू माय माइंड इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर प्रोबेबली। जरूरी है इसका आंसर देना? बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन अगर बाई चांस एक मिनट के लिए आप इमेजिन करो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं कौन सी ऐसी चीज करना चाहूँ? आपके मन में पहला क्या आएगा कि मुझे क्या मैं वेलफेयर के लिए, सब जितना कुछ आपने बताया, लंगर, सेवा, सोशल ड्यूटीज, जो भी आपने अभी तक सारा कुछ शेयर किया, ये क्वेश्चन तो वैसे सा है आंसर टू योर ओन 3 AM थॉट्स। तो जो भी एक विचार आपके मन, मतलब इसका तो सीधा सीधा आंसर है, क्योंकि अभी तक मैं आपको सही बताऊं कि मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, और मेरे को ये मतलब फील होता है कि जिस तरह से एजुकेशन महंगी होती जा रही है ना, बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है, चाहे मैं भी अपने बच्चे को जिस स्कूल में चाहता हूं स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा हूं इस पड़ाव पे आके भी, तो मैं ये चाहूंगा कि जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए कि एक लेबर क्लास बंदा भी अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सके। बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि एजुकेशन, ज्ञान, ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी साधारण आदमी को बुलंदियों तक ले जाती है। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल मैं देना चाहूंगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ वो एजुकेशन के दम पे अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस प्रेसिडेंट हमारे देश के बने, जबकि एक टाइम ऐसा था कि वो झोपड़ी में रहते थे, उनके पास एक कप चाय पीने के भी पैसे नहीं होते थे। तो एजुकेशन, बाकी दान पुण्य करना अच्छी चीज है, लोगों की सेवा करना अच्छी चीज है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें सबसे पहले किसी भी, जो ऐसा बच्चा है जो पढ़ नहीं सकता, वो फीस नहीं दे सकता, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। yes. तो ये बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा लगा आपका। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो अभी मेरे दिमाग में से एकदम पॉप हुआ, जब आप अपनी कैब चला रहे थे तो आपको कभी कोई ऐसा पैसेंजर मिला जो कि जन्नत से उतरा हुआ फरिश्ता हो, या कोई ऐसा पैसेंजर जो बहुत
ही यूनिक येट वियर्ड येट मिस्टीरियस हो. तो दोनों केसेस में आपने ऐसा सोचा हो कि ऐसा भी होता है वाला मोमेंट? एक्चुअली मैं ये मतलब मेरी तो सोच यही है कि बंदे सारे अच्छे होते हैं. एक्सपीरियंस वाली बात कहूंगा तो ना, एक बार रात को 11 बजे मेरे कैब में एक बंदा बैठा आईटीओ से, और उसको मैंने पानी पूछा, वो हैरान हो गया एकदम से ही. तो उसको कॉफी पूछी तो उसने गुस्से में बोला, कॉफी लाओ, दो कॉफी बना के दो. अब उसे लगा होगा कि सरदार जी मजाक कर रहे हैं, और मैं सकता कि वो अगर कई बार बंदा सीरियस होता है किसी बात को लेकर. मैं तो मेरे को तो गेस्चर होता है कि मैं तो हर बंदे को सेम गेस्चर करता था. तो फिर मैंने भी गाड़ी रोकी और कॉफी बना दी गर्मा गर्म, मेरे पास सारी चीजें होती थी. जैसे ही उसको मग हाथ में दिया, वो बंदा उसी टाइम जैसे अब वो फरिश्ते में बदल गया. और मैं उसको इसलिए नहीं भूल पाऊंगा कि उस एक की वजह से ही मैं आज यहाँ बैठा हूँ. उसने सीधा ही बोला कि उसने सारी चीजें पूछी, जैसे आप आज पॉडकास्ट में पूछे, उसने भी सारी चीजें पूछी, आप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे, उसने पूरी जर्नी पूछी. उसके बाद सीधा ही वो अपनी डेस्टिनेशन पे उतरा और बोला, सुबह अमनप्रीत का आपके पास कॉल आएगा, आप जो है कि उनको पूरी स्टोरी बता देना, नव भारत टाइम में आपकी स्टोरी छप जाएगी. अब इतना सुन के रात के 11 बजे, अब बंदा सेट था अनसेट था पता नहीं, वो वैसे खुखार सा लग रहा था मुझे, और मैं कहा भाई ये क्या चले, मतलब छोड़ के चला गया जुमला सा, मतलब मेरे को रात को नींद नहीं आनी, बंदे को भी होना है. मैं कहा ये बंदा ज्यादा ही छोड़ गया. लेकिन भाई अर्ली मॉर्निंग 8 बजने में 1 मिनट बाकी था, अभी कॉल आ गया था अभी, तो वो चीज नहीं मैं भूल सकता. मैं कहा भाई इसका मतलब बंदा लेवल का काफी था. और वो बाद में पता चला कि वो इनका एडिटर ही थे और बड़े लेवल पे थे, तो उन्होंने फोन पे ही मेरा इंटरव्यू ले लिया, फोन पे ही, और फोन पे ही मेरी फोन से वो फोटो खींची हुई है जो वहां लगी हुई है, और वही छाप भी देख लो. तो मैं कहा वो ऐसा होता है जो फरिश्ते वाली बात आपने कही, तो देखो जैसे साढ़े वास्ते रब ही रह के ऐसी हो, तो एक चांस की बात है. तो ये वो एक्सपीरियंस था मेरा. गोल्डी जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का, बहुत कुछ एंजॉय किए आपके लाइफ के मोमेंट आज हमने, और हमारे देखने वाले भी उम्मीद है कि इनको एंजॉय करेंगे. Got to know the unseen side of अब यंगस्टर्स के लिए कोई एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? तो यंग सर के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखो जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पढ़ाई भी करो साथ साथ, जॉब भी करो साथ साथ, लेकिन सोसाइटी को भी देना चाहिए हमें, जिन्हें आप दसवंत फॉलो कर दें आप पंजाबियत में. और वैसे ही मैं कहूंगा कि हर यंगस्टर को ना सोसाइटी को अपना कंट्रीब्यूट देना चाहिए. तो मेरा मैं तो मेरी लाइफ ही ऐसे बनी है, तो मैं मैसेज भी ऐसा ही दूंगा. वो शुरू से अगर आदत पड़ेगी ना, तो मैं इतना बताता हूँ कि जो कहते हैं ना कि अच्छाई रिफ्लेक्ट करती है, आप जितना करोगे 10 गुना वापसी आती है. मेरे साथ तो हुआ ही है ऐसा. तो मैं सारे यंगस्टर से यही कहना चाहूंगा कि अपने आसपास देखा करो कि अगर किसी को पेन की जरूरत है, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर आपके यहाँ कोई लेबर क्लास स्टूडेंट आ रहा है, तो आप उसको पेन कापी किताबें उसको इसकी इस तरह से हेल्प करो. अगर बाहर कोई कहीं जा रहे हो, आपको लगता है कि उसको भी जरूरत है और आप कर सकते हो, तो उस तरह से उसकी हेल्प कर दो. तो कहीं ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं, वहां जा भी सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, लाइक कभी टाइम मिले तो उस तरह से. तो ये चीजें बच्चों को करनी चाहिए, इससे काइंड ऑफ हार्टनेस आएगी और इससे मैं चाहूंगा बदलाव आएगा. जिस तरह से दौर चल रहा है ना, मतलब तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये चीज काइंडनेस अगर बच्चों में आए, तो हमारा दोबारा से जैसे कहते हैं सोने की चिड़िया हमारा इंडिया, तो वैसे ही फिर से हो जाएगा. तो दोस्तों आज का ये सफर मोदी जी के साथ यहीं तक. बहुत जल्द अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ फिर मुलाकात करेंगे. आप भी अगर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके पास भी कोई बहुत ही खास स्टोरी, कोई खास टैलेंट या अपने जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं आप शेयर करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है. आप कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल लिख के भेजें, हमारी टीम बहुत जल्दी आपसे संपर्क करेंगे और बहुत जल्द आप भी हमारी इस हॉट सीट पे एज ए गेस्ट होंगे. हम सभी की आपके लिए यही दुआ है कि आपकी हस्ती बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे. मेहरबानी है, बाय करें. बाय, चले, टू थ्री, बाय.